पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे वेब पेज के अंदर कोई भी पेज अगर हम बना रहे हैं तो उसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का काम है आपके पेज के एलिमेंट को पोजीशन देना। जैसे एज पर द वर्ड सजेस्ट, पोजीशन प्रॉपर्टी का काम है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड वी आर यूजिंग फॉर द एलिमेंट। अब आपने अपने पेज में मान लीजिए एक एलिमेंट आपने क्रिएट करा, ये इतना कोई एलिमेंट है। अब आपको ये एलिमेंट इस पेज में कहां पोजीशन करना है, जहां है वहीं दिखता रहे, तो दैट इज पोजीशन स्टैटिक। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट पे पोजीशन स्टैटिक लगा होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो जहां ऐड करते हैं H1 के बाद अगर मैंने P लिखा तो H1 के बाद ही आएगा P। तो बाय डिफॉल्ट एवरी एलिमेंट इन HTML पेज हैविंग दिस प्रॉपर्टी। बाकी ये कब लगाने हैं वो आपको समझ में आएंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आपके एलिमेंट जो है जहां है वहां फिक्स हो जाए, फिक्स्ड मतलब मैं पेज को स्क्रॉल करूं ये टस से मस ना हो, ये पेज में एक जगह जहां है वहां कर लो, या फिर आप इसको यहां पोजीशन कर दो कि पेज स्क्रॉल होगा और ये वहीं रहेगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट में देखते भी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने ये नोटिस करा होगा कि रहता है। तो मैंने इसे पोजीशन दे रखा है, टॉप वाला ये वाला जो एलिमेंट देख रहे हो ये जहां है वहीं रहेगा सर, वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उसे पोजीशन फिक्स करके इधर राइट बॉटम पे पहुंचा रखा है। तो एलिमेंट यहां इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी लगा। तो इस तरीके से पोजीशन फिक्स्ड का काम है कि वो वहां पर पेज में जहां बोलोगे वहां फिक्स हो जाएगा, फिर पेज स्क्रॉल करेगा, वो मूव नहीं होगा। ऐसे ही स्टिकी का अपना जॉब है, एक पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का अपना रोल है। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड और स्टिकी कैसे काम कर रहा है। वैसे थोड़ा फिक्स्ड समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट की। पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ने के लिए एक बार रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस जानना होगा क्या होता है ना। सुना है कभी रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ? हैव यू एवर हियर्ड दिस वर्ड बिफोर? रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? चलिए एग्जांपल समझिए। अब मान लीजिए अभी आप अपने घर पे हैं, ठीक, और आप अपने घर से सपोज आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और घूमने के लिए अपने घर से आप निकल लिए अब एक एक्सवाइजेड प्लेस के लिए। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं बता देता हूं। सर आप अभी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और आप सोचा कि घूम के आ जाए, तो आप दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर है वहां पहुंच गए, मंदिर घूम के आ जाए। देखिए तो जो हमने घर से दिल्ली में एक टेम्पल पे चले गए, अब आप टेम्पल पहुंचे, सुबह सुबह निकले बस अपना बाइक लेके और वहां पहुंच गए, टेम्पल घूमे, तो 2-3 घंटे में आप टेम्पल घूमा लिए, सारा पूरा अक्षरधाम मंदिर आपने निपटा दिया 2 घंटे में, समझे हो गया सर। अब आप सोच रहे हैं कि अब क्या करा जाए, तो पूरा दिन बचा हुआ है, घूमने के निकले हैं तो कहीं और भी घूम के आ जाए। तो अब आप चाहते हैं कि मैं एक दूसरे प्लेस पे जाऊं, आपने सोचा कि एक जगह है आगे चंडीगढ़ हाईवे पे, वहां चला जाए, मूरचल पराठे बनते बड़े शानदार, वहां खा के आ। तो अब आपको वहां पहुंचने का, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे जाने के लिए अब वहां 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये कि आप जहां हैं वहीं से मूव कर लो और वहां पहुंच जाओ, तो दैट इज रिलेटिव। अब जहां है मंदिर पे वहीं से निकल लिए आगे के लिए, रिलेटिव पाथ। दूसरा ऑप्शन है कि आप वापस घर आएंगे और फिर घर से सीधे उस जगह के लिए निकलेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का मतलब यह होता है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि समथिंग फ्रॉम बिगिनिंग, और एब्सोल्यूट का मतलब है समथिंग फ्रॉम एट दैट पोजिशन वेयर एवर यू आर एट दैट टाइम, उसी के रिलेशन में आगे पहुंच जाना। रिलेटिव रिलेटिव एब्सोल्यूट दैट इज बिगिनिंग। अब वर्ड समझ में आ गया तो अब इसको डिजाइनिंग में यूज करते हैं वेब पेज में। तो चलिए मैं यहां पर एक पेज बना रहा हूं। पोजिशन प्रॉपर्टी में सबसे पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैंने अभी कोई पोजीशन प्रॉपर्टी किसी पर भी नहीं लगाई, ये देखिए मैंने जो लगा रखा है कोड वो हटा दिया है। तो यहां पर एक हेडिंग है बेटा H2, फिर एक H1 है, फिर एक डिव, 2 डिव, 3 डिव, 4 डिव और 5 डिव है, फिर बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है कई सारे डमी एंट्रीज के साथ, ये कोई पेज है, ठीक है। अभी इसमें कोई पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी पोजीशन प्रॉपर्टी लगी होती है? स्टैटिक।
स्टैटिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो एलिमेंट आना है वहीं आ रहा है। अब मैं इसमें आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट लगा के दिखाता हूं। अभी एक डिवीजन है, अब इस पे मैं रिलेटिव लगा रहा हूं, ठीक है ना। डिफॉल्ट पे जाके लिख दिया पोजीशन रिलेटिव। अब उस एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव लिखने से कुछ नहीं हुआ सर, आउटपुट जी तो पोजीशन इसकी रिलेटिव हो गई है, लेकिन फर्क दिखेगा जब कोई मूवमेंट करेंगे। अब मैं चाहता था कि जो एलिमेंट जहां है ये बाय इन कैप वाला, तो ये बाय इन कैप वाला जो एलिमेंट है, जो डिवीजन है, वो मुझे जहां है वहां से थोड़ा सा मूव करना है। तो पोजीशन रिलेटिव देके जहां है वहां से मूव करना है ना, जहां है वहां से मूव करना है, तो पोजीशन रिलेटिव दो। फिर जितना मूव करना है, मैंने कहा टॉप से कुछ 50 पिक्सल वो जो है नीचे आ जाएगा, और इधर लेफ्ट से कुछ 100 पिक्सल मैंने उधर सरकार दिया उसको। तो यू व्हाट यू विल सी इज कि वो जहां है वहां से 50 नीचे इधर हो जाएगा, देखना। देखा, रिफ्रेश करते ही सिलेक्शन आ गया। तो ये एलिमेंट यहां था, लेकिन यहां क्यों दिख रहा है, क्योंकि तुमने इसके ऊपर पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव लगाकर इसे टॉप लेफ्ट कर दिया। तुम राइट करते तो इधर अंदर चला जाता पेज में, जी वो कट जाता, अच्छा नहीं लगता तो मैंने इधर करा। अब ये सेम प्रॉपर्टी बेटा मैं बाय इन कैप वाले पे लगा रहा हूं, ध्यान देना। किस पे? D3 पे। तो D3 पे मैंने सेम प्रॉपर्टी लगाई, सेम डिटो, बस फर्क ये है कि मैंने यहां लिख दिया एब्सोल्यूट। अब देखना कितना डिफरेंस आएगा। तो इस पे रिलेटिव लगाता तो ये जहां था वहां से मूव करा 50 और 100, लेकिन इस पे लगा है एब्सोल्यूट, तो ये 50 100 ये भी मूव करेगा, लेकिन ये यहां से मूव करेगा, ये एलिमेंट उठ के यहां जाएगा, और फिर यहां से 50 से नीचे और इधर से लेफ्ट आएगा। तो यहां कहीं आपको ये ग्रीन वाला डिवीजन यहां कहीं दिखने वाला है। रिफ्रेश करूं, ये देखिए अब यहां से 50 और इधर से 100 है। अब ये ऊपर से काय लिया, क्योंकि सर एब्सोल्यूट है वो बिगिनिंग से स्टार्ट करता है जिस कंटेनर के अंदर वो है, और रिलेटिव जो है जहां है वहां से वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा। फर्क समझ में आया? बाकी अब मैं इस वाले एलिमेंट पे फिक्स लगा देता हूं, हाई इन कैप वाले पे, ये श्यान कलर वाला है ना ये, हाँ। तो इस पे मैंने क्या लगा, पोजीशन फिक्स्ड, जैसे कि आप सारा समझ जाएं। तो फिक्स पोजीशन फिक्स से क्या होता है कि वो जहां है वहां फिक्स हो गया। अब वो जहां है वहां फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स होने वाला, अभी तो मूवमेंट हो रही है। रिफ्रेश करते ही देखना कि ये एलिमेंट यहां से अब मूव नहीं होगा, वो पेज पे फिक्स हो गया, अब जहां है वहां फिक्स हो गया। कैन यू सी दैट? अब सर यहां पे फिक्स नहीं करना, यहां फिक्स करना है। तो फिर आप पोजीशन फिक्स के साथ-साथ ये भी बताओ कब फिक्स होगा। बॉटम से 10 पिक्सल, तो नीचे से 10 पिक्सल, तो राइट भी आ जाएगा, तो राइट में आपने कर दिया माना 15 पिक्सल, तो ये राइट से 15 और बॉटम से ये यहां कहीं दिख रहा है आपको। कैन यू सी दैट? ये फिक्स्ड है। तो यहां नीचे से 10 है और इधर से 15 है। चिपकाना चाहो चिपका सकते, तो 0 पिक्सल देके चिपक जाएगा एकदम, पेज जैसे होता रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। फिक्स समझ में आ गया? अब फिक्स आ गया तो स्टिकी समझे, स्टिकी मैं इस पे लगा रहा हूं। अभी तो मूव हो रहा है ब्लैक वाला पोर्शन, हेडिंग, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो हेडिंग है, उस पे मैंने लगा दिया पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी जब लगाया जाता है तो बताना होता है कि वो स्टिक कहां करेगा। तो ऑब्वियस बात है ये जो लाइन है ये बॉटम को टच कर रही है, नहीं कर रही, टॉप को टच कर रही है, तो यहां टॉप पे स्टिक कर देते हैं इसको। तो एलिमेंट जहां तक पहुंचे कर सकते हो, तो वो टॉप ऊपर ही जाएगा, जब भी जाएगा हेडर तो नीचे तो आ नहीं सकता, इतना तो टेक्स्ट नहीं लिखा ना उसने। तो टॉप पे 0 पिक्सल पे मैंने उसे स्टिकी कर दिया। तो जैसे रिफ्रेश करूंगा तो अभी तो सर वहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं, अब दो को अंतर देखना, जब मेरा पेज स्क्रॉल होगा तो ये यहाँ पे ऐसे चिपक गया। कैन यू सी दैट? ये स्टिकी है, चिपक जाना, बाहर नहीं निकल गया, वो टॉप पे 0 पिक्सल पे चिपक गया, चिपक जाया करेगा जब आप इसको, कई कई वेबसाइट में आपने नेविगेशन बार वगैरह में ये देखा होगा। ये होता है पोजीशन स्टिकी, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स। रही बात स्टैटिक की, तो पोजीशन स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, येलो पे लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक हर एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट होता ही है, उसे लिखने से कुछ होगा नहीं। तो येलो पे पोजीशन स्टैटिक लिखा, इससे कोई आउटपुट पे फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे लिखना ना लिखना बराबर है। तो समराइज कर देते हैं, तो पोजीशन स्टैटिक का मतलब है कि एलिमेंट जहां है वहां आएगा, पोजीशन रिलेटिव का मतलब वो जहां है वहां से आप ऐसे मूव कर सकते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब जहां है वहां से नहीं, वो बेस से मूव करेगा, फिक्स का मतलब पेज वो फिक्स हो जाएगा, पेज स्क्रॉल होता रहेगा, और स्टिकी का मतलब है कि एक जगह जाके वो चिपक जाएगा। अब नीचे करना नीचे स्टिक करो, चाहे ऊपर करना आपका मन। तो ये कुछ पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में रहा। ओके